नमस्कार, पंजाब के सिटी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा एक अपडेट लेकर आपके साथ जुड़ा हूं। हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं और निशांत जो कारोबारी पालमपुर के हैं उनके और डीजीपी के बीच में जो विवाद चल रहा था उसको लेकर हाईकोर्ट ने आज आदेश जारी किए हैं और एसपी कांगड़ा और डीजीपी को किसी दूसरे पोस्ट पर जो है वो शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। और इसके पीछे हाईकोर्ट ने यह हवाला दिया है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें किसी भी तरह की बाधा ना आए, उसको प्रभावित ना किया जाए और एक न्याय जो है, एक जिस तरह से आम आदमी को जो है वो आंका जाता है न्याय के लिए, उसी तरह से इन दोनों को भी जो है आंका जाए और इस पूरे मामले से दूर रखने के आदेश जो हैं वो हाईकोर्ट ने आज ये पास कर दिए हैं। चीफ जस्टिस और जो ज्योत्सना जीवालदुआ की अदालत में ये निर्णय लिया गया है और सेक्रेटरी होम को ये आदेश दिए गए हैं कि इन दोनों आईएएस को किसी दूसरे पद पर जो है वो शिफ्ट किया जाए ताकि जो इस पूरे मैटर की जांच जो है वो निष्पक्ष हो सके और जो जांच निष्पक्ष हो सके और साथ में लोगों को भी ये लगे कि निष्पक्ष रूप से जो है वो जांच की जा रही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जांच सबके लिए जो है समानांतर है, न्याय सबके लिए समानांतर है, ये एक मैसेज जो है इसके पीछे साफ तौर पर हाईकोर्ट ने देने का यहाँ पर जो है ये काम किया है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इन दोनों को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को किसी दूसरी पोस्ट पर जो है वो शिफ्ट किया जाए। आज ये मामले की सुनवाई हुई और अगली जो सुनवाई है वो 4 जनवरी जो है वो इसको लेकर तय की गई है। 4 जनवरी को फिर से इस पूरे मामले की जो है वो छानबीन होगी क्योंकि जो कारोबारी है निशांत शर्मा उन्होंने हाईकोर्ट में जो है ईमेल के माध्यम से शिकायत दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। कांगड़ा और शिमला में जो है इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और जिस तरह से कारोबारी ने कहा था कि उनकी जान को इस कहीं ना कहीं खतरा है, मैक्लोडगंज और हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया था, हरियाणा गुरुग्राम में जहां पर उन पर और उनके परिवार पर जो है वो अटैक हुए हैं, इस तरह का उनका जो है वो मामला था और शिकायत उनकी जो है वो नहीं ली जा रही थी पूरे इस प्रकरण को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब जो है इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया उसके बाद से डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो मंगाई गई, लगातार सुनवाइयाँ चल रही थी, आज सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने ये नए आदेश दिए हैं। 12 पेजेस का ये ऑर्डर है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्रा राव और जस्टिस ज्योत्सना रिवालदुआ की अदालत में ये जो है वो निर्णय लिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट ने जो है आदेश दिए हैं साफ तौर पर और कहा है कि फेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के लिए और जस्टिस को जो है इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों को जो है इस पूरे मैटर से बाहर रखा जाए। जो जिम्मेदारी इस वक्त इनको दी गई है डीजीपी, क्योंकि पुलिस इस पूरे मैटर को लेकर जांच कर रही है और मुखिया के ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो ऐसे में उनको पद पर जो है बने रहना उचित नहीं है, इसलिए उनको डीजीपी के पद से उनको फिलहाल शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं और कांगड़ा एसपी को भी जो है वो शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको भी जो है वो शिफ्ट किया जाए क्योंकि कांगड़ा में जो है एफआईआर दर्ज की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि इनको जो है किसी दूसरे पद पर जो है वो लगाया जाए, किसी दूसरे पोस्ट पर लगाया जाए। आज एसपी कांगड़ा से इनको जो है वो हटाया जाए और डीजीपी से इनको हटाया जाए, साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल 4 जनवरी को जो है इस पूरे मामले की जो है अगली सुनवाई होगी, 4 जनवरी को जो है इसको लेकर जो है ये आगामी सुनवाई होगी जिसमें तय होगा कि क्या कुछ जो है आगामी निर्देश देना। हालांकि जांच से अभी तक हाईकोर्ट जो है संतुष्ट पाया गया है, जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल जो जांच चल रही है वो फिलहाल संतोषजनक है, लेकिन फिर भी फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि क्योंकि पुलिस के मुखिया पर भी आरोप लगे हैं, तो ऐसे में पुलिस जो है किस तरह से जांच कर रही है ये जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था और इसलिए जो है हाईकोर्ट ने ये एक बड़ा संदेश दिया है और साफ तौर पर सेक्रेटरी होम को ये आदेश दिए हैं कि इन दोनों आईएएस को एसपी कांगड़ा और डीजीपी को जो है फिलहाल इनके पदों से हटाकर किसी दूसरे पद पर जो है शिफ्ट किया जाए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेर हो सके और जो पूरा प्रकरण चल रहा है निशांत कारोबारी मामले को लेकर उसमें जांच जो है वो फेर तरीके से आगे बढ़ सके, ये आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से आज जारी किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप ताजा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।